साफ दिखा है कि रूस की सेना ने पहले के मुकाबले स्ट्रेटजी चेंज की है और अब नए सिरे से कीव के आसपास जमावड़ा शुरू हुआ है। रूसी मीडिया की ओर से जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं उसमें भी दिख रहा है कि रूस की सेना कीव के आसपास के इलाके से यूक्रेन की राजधानी कीव से काफी दूर पश्चिम में लुत्स के इलाके में ये जो धमाके हो रहे हैं वो तस्दीक करते हैं कि रूसी सेना के लिए कीव अब दूर नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव से दक्षिण पश्चिम की ओर इवानो इलाके में भी कई ऐसे धमाके देखे गए जिससे साफ है कि रूस की सेना कीव के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच भीषण टक्कर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में हो रही है। यहां डोनबास के डोनेट्स्क इलाके से लेकर बनिप्रो तक रूस ने यूक्रेन पर करारा प्रहार किया है। रूस ने दावा किया कि रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन के 98 एयरक्राफ्ट और